बड़वा में बिना परमिशन के चल रहे स्वास्थ्य शिविर को सीबीएमओ ने रुकवाया है। बताया जा रहा है कि शिविर में विशेष कंपनी की दवाइयां दी जा रही थी। चर्म रोग के लिए यह शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें दी जा रही दवाओं की शिकायत स्थानीय मेडिकल व्यवसायियों ने दी। इस मामले में पंचनामा बनाकर दवाइयां जब्त की गई। बड़वा में बिना परमिशन के चल रहे स्वास्थ्य शिविर को सीबीएमओ ने रुकवाया। बताया जा रहा है कि शिविर में विशेष कंपनी की दवाइयां दी जा रही थी। चर्म रोग के लिए यह शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें दी जा रही दवाओं की शिकायत स्थानीय मेडिकल व्यवसायियों ने दी। इस मामले में पंचनामा बनाकर दवाइयां जब्त की गई। सब मेडिकल वालों के फोन आए थे कि भैया अग्रसेन भवन में डॉक्टर कन्हैया पाटीदार द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, और जो मेडिकल स्टोर के नियम अनुसार जो परमिशन लेना रहती है वो ली भी नहीं थी, और दवाइयां वो खुद बेच रहे थे और पैसे भी ले रहे थे। हमारी ये शिकायत थी और कुछ नहीं थी। द्वारा ही कितनी मेडिसिंस लाई गई थी, कुछ मेडिसिंस एक्सपायरी भी थी, और विदाउट एनी परमिशन से कैंप चल रहा था, तो अभी ये सब बंद करवा दिया गया है। मेडिकल शिविर इंदौर के एक डॉक्टर कन्हैया पाटीदार द्वारा चलाया जा रहा था। शुल्क लेकर दवाइयां भी बेची जा रही थी। बिना अनुमति के स्वास्थ्य शिविर लगाने पर दवाइयों का पंचनामा बनाकर सीबीएमओ अनुज खारकुर ने शिविर की परमिशन संचालकों से मांगी। जब वे परमिशन की कॉपी नहीं दे पाए तो सीबीएमओ ने शिविर को बंद करा दिया। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता प्रेमलाल गुर्जर ने की थी, जिसके बाद कई दवाइयां भी जब्त की गई।